ब्लैकबोर्ड 18-19। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी 6 मार्कर क्वेश्चंस की, लेकिन आज हम बात करेंगे 4 मार्कर क्वेश्चंस की। बोर्ड एग्जाम्स में 11 क्वेश्चंस हैं जो आपके 4 मार्क्स के हैं। 11 × 4 दैट मीन्स 44 मार्क्स हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स, इजीएस्ट चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसमें इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन होती है, इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है। मैट्रिक्स ए गिवन है, फॉर एग्जांपल आपने ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई किया ए को प्लस 3i, इसको हम 0 मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चन। या 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है टॉपिक मैट्रिक्स, और इजी टॉपिक है तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन या तो आपका 6 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में, लेकिन एक क्वेश्चन बोर्ड में कंपलसरी आएगा ही आएगा। तो ये दोनों टॉपिक आपके ऐसे हैं कि जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका 5 मार्क्स का चैप्टर है। बहुत रेयर है कि इसमें से कभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन जनरली आपके पास एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, और एक सिंपल प्रूफ वाला क्वेश्चन है जो 10 inverse x plus 10 inverse y = 10 inverse x plus y upon 1 minus x y, जो आइडेंटिटी है हमारे पास उस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, दैट इज कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी पर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का कंपलसरी आना ही आना है 100%। इसमें हार्डली आपके पास 7 या 8 क्वेश्चंस हैं जिस टाइप का क्वेश्चन एवरी ईयर बोर्ड में आता जाता है। वो 1 by 1 हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तो आप उनसे इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में वैसे तो हमारे पास 7-8 एक्सरसाइज है, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन 4 मार्क्स में हमारे पास आएगा, दैट इज जो लॉग बेस्ड क्वेश्चन है, एक आपका है सेकंड डेरिवेटिव बेस्ड। तो ये दो टॉपिक हैं जिन पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बेस्ड होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा का तो आपका कंपल्शन है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही आना है, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल से या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट वाली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे बनता है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है आपके पास 10 मार्क्स का चैप्टर, और 10 मार्क्स में से एक क्वेश्चन अगर आपका मैक्सिमम मिनिमा से आ गया है 6 मार्क्स का, तो नेक्स्ट जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है या तो टेंजेंट नॉर्मल से आएगा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, और या आपका बनता है रेट वाली एक्सरसाइज। उसके बाद हम बात करें अगर इंटीग्रेशन की, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है, तो इसमें हमारे पास 11 और 12 एक्सरसाइज हैं और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो मेनली 2 or 3 टाइप्स को अगर आप कर लेते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट टाइप है आपका लीनियर पीएक्स अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसको कि हम ए डीवाई डीएक्स प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक की हेल्प से सॉल्व करते हैं। वो टाइप हमने इंटीग्रेशन में प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें से आप देख सकते हैं और इजीली ट्राई कर सकते हैं। एक टाइप है हमारे पास जो आईलेट बेस्ड क्वेश्चन है, और यह जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, इसी में से हमारा ज्यादातर क्वेश्चन आता है। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन या पीएक्स अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप से ही आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली अवेलेबल हो जाए। उसके बाद हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लास्ट जो एक्सरसाइज है आपकी मिसलेनियस से पहले एनसीईआरटी में 0.11 एक्सरसाइज है 7.11, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बेस्ड। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स में नहीं आया है तो 100% है कि 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर है। अब 8 मार्क्स में कई बार तो वो डिवाइड कर देते हैं बोर्ड में 2 और 6 में, और काफी टाइम उन्होंने 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी दिए हैं।
तो अगर 4-4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है या 6 और 2 में भी आता है तो लास्टली 4 एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन बनते हैं. एक जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की है, उसके बाद जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है. सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक बनता है वेक्टर. वेक्टर में हमारे पास है केवल जो प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. लास्ट मिसलेनियस में 4-5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और या इसमें जो लास्ट में सप्लीमेंट में एक एक्सरसाइज है कोप्लेनर वेक्टर्स की, तो उसमें से हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड है. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उस पर हमारा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. या कभी कभी हमें कोई भी 2 और 3 वैक्टर्स दिए हैं, उनके अलॉन्ग आपको एक पैरेलल यूनिट वैक्टर निकालना है, या 2 वैक्टर्स परपेंडिकुलर गिवन है, किसी एक अनोन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस हैं वेक्टर्स में जो हमने 4 मार्क्स में सॉल्व करने. इक्वेशन ऑफ लाइन 11th चैप्टर, 11th जो टॉपिक है 4 मार्क्स के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन में केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं मेनली हमारे पास, या तो एंगल फाइंड करना है, या लाइंस जनरली परपेंडिकुलर आपको गिवन होती है और किसी भी एक अननोन की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है. 4 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप इजीली ट्राई कर सकते हैं. और लास्ट टॉपिक हमारा जो है 4 मार्क्स में, दैट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चन आपके आने हैं बोर्ड में. 100% 10 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें एक तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आता है बेस थ्योरम पर बेस्ड, वो तो 6 मार्क्स में आएगा. और 4 मार्क्स में जनरली हमारे पास आता है या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से और या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से. तो ये थे हमारे कुछ मेन टॉपिक्स जिनको अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं तो हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में इजीली कवर कर सकते हैं. क्योंकि 11 क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, दैट मीन्स 11 × 4, दैट मीन्स 44 मार्क्स. तो 44 मार्क्स के लिए अगर आपको इतने टॉपिक कवर करने तो आप थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं. तो अब हम 1 by 1 एक एक टॉपिक पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे अपने चैनल पर. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी कीजिए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. तो आज के वीडियो में इतना ही, और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.